रचना का अंदाज। रक्षंदा खान बनी विदेशी मैम। नए किरदार की नई तैयारी। कलर्स टीवी पर बहुत जल्द नया शो आने वाला है जिसका नाम है प्रचंड अशोक। इसमें नजर आएंगे अदनान खान और मल्लिका सिंह जो निभाएंगे अशोक और कौरवकी का किरदार। और इस सीरियल में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी रक्षंदा खान जो बनेंगी हेलेन। और आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है प्रचंड अशोक के सेट पर करने रक्षंदा खान के मेकअप रूम की सैर। और साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे रक्षंदा खान बनती है हेलेना। हाय, मैं हूँ रक्षंदा खान और मैं प्रचंड अशोक में कैरेक्टर निभा रही हूँ हेलेना का। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जर्नी रक्षंदा खान की टर्निंग इनटू हेलेना जो एक ग्रीक क्वीन थी। तो देखते हैं कि हमारे मेकअप और हेयर की टीम इस टास्क को कैसे कंप्लीट करती है। हेलेना के किरदार में ढलने के लिए सबसे पहले शुरुआत हुई हेलेना की आंखों को खूबसूरत बनाने से। इसी के साथ साथ रक्षंदा की हेयर स्टाइलिंग भी की जा रही है क्योंकि मल्टीटास्किंग जरूरी है भाई। सेट पर जल्दी रेडी होना है टेक के लिए तो किरदार में भी जल्दी ढलना पड़ता है। वैसे आपको बता दे कि हेलेना के बाल पूरी तरीके से कर्ल किए जाते हैं इन ब्लॉन्ड हेयर्स को खूबसूरत बनाने के लिए ताकि हेलेना का किरदार बाकी किरदारों से हटकर नजर आए। रक्षंदा का ये किरदार विदेशी है इसीलिए इसका मेकअप और इसकी हेयर स्टाइलिंग उसी हिसाब से की जा रही है भाई। भारतीय नारी और विदेशी नारी में अंतर दिखाना बहुत ही जरूरी है तभी तो इनकी आंखों के मेकअप से लेकर इनके कपड़ों के लुक तक सभी को काफी अलग रखा गया है। रक्षंदा की आंखों को ब्लैक आई शेड से स्मज किया गया है और उसमें बेज कलर का टच भी दिया है। इसी के साथ साथ हेलेना की आंखों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए उसे काजल से निखारा गया। क्योंकि हेलेना जो है वो इंडियन नहीं है, ग्रीक है, तो इस पर्टिकुलर लुक में हमने एक या दो शेड थोड़ा और, अगर आप नोटिस करेंगे, जो मैंने शुरुआत जब की थी या आपने नोटिस किया होगा बेस करते वक्त, थोड़ा ब्राइट हमने बेस रखा हुआ है। आइस को हल्का सा स्मोकी रखा है। लिप्स के साथ हम प्ले करते हैं क्योंकि हेलेना जो है थोड़ी वर्सेटाइल कैरेक्टर है। वो जो दिखती है एग्जैक्टली वैसी है नहीं। शी इज़ एक्चुअली अ कैरेक्टर विद अ लॉट ऑफ लेयर्स, काफ़ी डीप है वो। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको टाइप कास्ट करेंगे कि हम उसका लुक एक तरह का रखेंगे, या तो जैसे टेलीविजन में कहते हैं ना हल्का सा नेगेटिव होगा या एकदम पॉजिटिव होगा, वैसा लुक हमने नहीं सोचा है। ऑफकोर्स अगेन बिकॉज वी आर ट्राइंग टू शो कि जो इंडियन लोग हैं सीरियल में, जैसे कौरवकी और उनकी फैमिली है, या देवी और उनकी फैमिली है, जो अशोक की मम्मा है उनकी फैमिली से अगर अलग दिखाना है तो आप नोटिस करेंगे मैं कुछ ज़्यादा ही ब्लॉन्ड हो चुकी हूँ इस चक्कर में। सो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ वी वांटेड हेलेना टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ विग लगाने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने खुद के बालों को भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉन्ड कर दिया है। इन रियल लाइफ नाउ आई एम ब्लॉन्डी। और इवेंचुअली जब हम सेकंड लुक करते हैं तो उसमें एक बहुत लंबी सी विग भी है, वो जो आप देख रहे हैं, इट्स अ रियली लॉन्ग विग, इट्स ब्यूटीफुल, हम वो भी यूज़ करते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो रॉयल है तो अभी जब हम ज्वेलरी पहनेंगे, हेलेना का जो रॉयल गाउन है वो आएगा, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बट आई थिंक इट्स क्वाइट अ प्रीटी लुक, लुक्स नाइस। हमने कोशिश की है कि इंडियन नहीं है, तो मुझे आईलाइनर का बहुत शौक है। आप मेरे किसी भी अगर शो को उठाकर देखेंगे तो हर शो में एक अच्छा सा विंग्ड आईलाइनर हमेशा होता है। इस शो में जानबूझकर हमने आईलाइनर अवॉइड करने की कोशिश की। इफ़ यू सी देयर इज़ नो रियल आईलाइनर,
हम उसको पूरी तरह से स्मज कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शी हैज़ टू लुक डिफरेंट फ्रॉम ऑल द इंडियन गर्ल्स. तो जितनी इंडियन लड़कियां हैं उनको वो खूबसूरत खूबसूरत सा लंबा सा पूरा विंग्ड आईलाइनर दिया गया है. मैंने कोशिश की है कि हम इसमें पूरा स्मज्ड लुक रखें एंड चीक्स जो हैं वो थोड़े अच्छे से हाईलाइट किए हुए, थोड़े से कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल कर दिए हैं. वेल आई एम होपिंग दैट मैंने हेलेना की कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स तो अब तक देखी नहीं है. आई एम होपिंग इफ हेलेना इज समवेयर वॉचिंग शी थिंक्स दैट वी डन अ गुड जॉब. हाँ जी, तो अभी हम चेंज करके फिर आपको फुल लुक का एक अच्छा खासा आइडिया देते हैं दैट हाउ हेलेना इज गोइंग टू लुक ऑन स्क्रीन. मेकअप के बाद अब बारी आती है हेलेना के आउटफिट की, और ये गाउन में रक्षंदा बतौर हेलेना बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। उसी के साथ साथ हेलेना के सर पर ये हीरो का ताज बेहद ही खूबसूरत लग रहा है. भाई हेलेना एक क्वीन है तो उनके सर पर ये ताज सजना तो बनता है. So that is the final look of Maharani Helena. जैसा मैंने आपको कहा था, gowns थोड़े से ग्रीक टच के साथ रखने की कोशिश की है, क्योंकि वो डायना से भी थोड़ी सीनियर है, इसलिए आप अगर नोटिस करेंगे तो उसका क्राउन जो है वो अलग है, उसकी ज्वेलरी ज़्यादा डायमंड्स की तरफ है, डायना की ज्वेलरी जो है बिल्कुल गोल्ड की ही तरफ है. एंड Diana is the Rani, she is the Maharani, so थोड़ा सा अपग्रेड है. क्राउन सिर पे आते ही ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये जो इतना बड़ा ताज है ये फिसल ना जाए कहीं. इट्स वेरी टफ टू मैनेज. पहली बार ये एहसास हुआ दैट द हेड दैट वेयर्स द क्राउन ऑलवेज इज अनईजी, जो एक कहावत होती है अंग्रेजी में. थोड़ा सा ऐसे इमीडिएटली ना आप जब क्राउन पहनते हो तो आप थोड़ी रीगल सा महसूस करने लगते हो अपने आप को, योर पोस्चर बिकम्स ऑल राइट, और आपको लगता है कि हाँ भाई अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना है. और इट ऑफ कोर्स मेक्स यू फील ब्यूटीफुल. अब मैं कोशिश ये करूँगी कि क्योंकि मैंने ताज पहन लिया है तो राज भी मेरा ही हो. सोच रही हूँ घर पर कैसे राज करूँ, वो एक अलग कहानी है, फिर कभी बताऊँगी. लकीली जितने भी शोज मैंने आज तक किए उसमें हमेशा एज अ कैरेक्टर मुझे बहुत सारी ज्वेलरी वाला लुक मिलता है, तो ये शायद इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मोस्टली आई एम यूज्ड टू, बट इट्स ऑल हैवियर इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट इट्स ऑल डायमंड्स. तो सुंदर सी तो है, कफ्स है, रिंग्स है, क्योंकि इंडियन नहीं है तो उसमें नो स्पिन नहीं है. मोस्टली जब हम बहुत हैवी लुक करते हैं इंडियन में तो बहुत सारे अलग 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 पीसेज होते हैं ज्वेलरी के जो आपको बिंदुसार के लुक में दिखाई देंगे. सो फॉर वंस हमारा काम इतना मुश्किल नहीं है जितना लड़कों का है, क्योंकि बिंदुसार की बहुत सारी ज्वेलरी की पीसेज हैं. बट आई लव द फैक्ट दैट आई हैव लाइक दिस रियली नाइस प्रिटी चोकर. आई हैव थैंकफुली इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है ये इयर रिंग्स, और हाथों में रिंग्स हैं, एक बड़ा सा कफ है. देखते हैं अगर हमें ऐसा लगा कि महारानी जी को और भी ग्लैमराइज करना है, मे बी वील एड अ फ्यू मोर पीसेस, बट फिलहाल तो मुझे ऐसे लगता है इट्स क्वाइट अ कंप्लीट लुक. सो कॉस्ट्यूम्स सबसे बढ़िया बात मेरे लिए ये है एज अ पर्सन एज मी कि मुझे साड़ी नहीं ड्रेप करनी पड़ रही है. मुझे इंडस्ट्री में 20 साल हो गए और मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ, आज तक मुझे साड़ी ड्रेप करना नहीं आता. आज तक मुझे कहीं भी जाना होता है आई नीड अ हेयर ड्रेसर टू ड्रेप अ साड़ी. सो आई एम वेरी हैप्पी. वन पीस गाउन पहना, आप एग्जैक्टली 2 मिनट में रेडी हो गए. ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द लुक टेक्स टाइम, बट या आई लव द फैक्ट दैट इट्स लाइक जस्ट मूव डू एनीथिंग एंड इट्स ऑल सो सिंपल. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हेलेना का जो कैरेक्टर है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं. हम उसको एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि सबके सामने
वो बहुत जेन्युइन है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो बहुत शातिर है। उसको कहीं किसी को ये एहसास नहीं दिलाना है कि आप वो कर रहे हो जो वो करवा रही है। तो काम कोई भी कुछ कर रहा हो राजमहल में, कहीं उसका जो एक बीज डाला जाता है उनके दिमाग में, वो सब हेलेना के दिमाग से चलता है। तो ये हेलेना कैसे करेगी, उसका रिलेशन क्या है, और वो कैसे इन कामों को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करवाती है, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्रचंड अशोक। हर कैरेक्टर शुरुआत में बहुत टफ होता है, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि जो आपने पिछला किरदार निभाया है उससे कुछ अलग हो, कुछ विपरीत हो, ऐसा ना लगे कि लोगों को लगे यार हम तो ये देख चुके हैं पहले कि क्या हेलेना की झलक सुमित्रा में थी। नहीं, दोनों कैरेक्टर्स एक हिसाब से नेगेटिव हैं, लेकिन दोनों का जो द रीज़न बिहाइंड what they were doing is very different. इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैरेक्टर्स को अलग रखें, और वो शुरुआत में थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। साथ में जब आप हिस्टोरिकल कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी जो बोली है, भाषा है, आपको उस पर भी ध्यान देना होता है। सो इट गेट्स, द फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप डायलॉग भी याद कर रहे हैं, आप वो लहजा भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने कैरेक्टर को खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ट्राई कर रहे हैं कि वो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मर्ज ना होकर इट शुड स्टैंड आउट। सो इनिशियल कपल ऑफ एपिसोड्स आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट। थैंकफुली हमारी टीम जो है बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं। ऑब्वियसली जब एकता नरेट करती हैं तो शी डजंट लीव एनी स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ सेकेंड थाट्स। उनका विजन हमेशा बहुत क्लियर होता है कि इस कैरेक्टर को अगर मैंने बनाया है तो जब मैं बना रही थी मेरी सोच ये थी, और आप इस तरह से उसको पर्दे पर ढाल सकते हैं। कोशिश जारी है, कितने कामयाब होते हैं ये आप ही बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि रक्षंदा का ये किरदार यानी कि हेलेना उनके बाकी सभी किरदारों की तरह ही पसंद किया जाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड? हमने आपकी संडे वाली छुट्टी को कर दिया ना रिचार्ज। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आपको तो पता ही है ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। हैप्पी संडे, बाय बाय।